हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, प्यार भरी राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल 5507 सोनिया में आप सबका दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ी जल्दी जा रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए। आई थिंक टाइम हो गया है 8:28। तो हस्बैंड ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया था, वो कह रहे थे कि सोनिया सोनिया बोला कर, मैं हाँ चलो सॉरी। तो मेरे यूट्यूब चैनल 5507 सोनिया सोनिया में आप सबका स्वागत है। तो सॉरी, मैंने हस्बैंड से बोला है। और आज मैंने सी ग्रीन साड़ी डाली है और इसके साथ आप मुझे वॉच कर पाओगे वीडियोस में। इस टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि ड्यूटी स्कूल बहुत ज़्यादा ही रश हो जाता है। तो अभी आगे चल के अपनी बात को कंप्लीट करती हूँ। तो मेरा कमेंट ही कंटेंट है। तो आज मैं नरेश जी के लिए बोलूँ, नरेश बेलदार गुजरात से हैं, जिन्होंने कमेंट किया है कि मेरे पास 45 एकड़ ज़मीन है जो भी है। तो वो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया है और बोले हैं कि आप को मौका लगेगा तो मैं इधर बुलाऊंगा और आपको देसी खाना खिलाऊंगा। तो पहले उनसे थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है देसी खाना। और देसी खाने का मतलब है कि आप उस चटनी हो, छाछ हो और चूल्हे की रोटी हो, मक्खन हो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब खाना। और ये तो मेरा नरेश जी फेवरेट खाना है। यदि आप इस देसी खाने की बात कर रहे हो या सरसों का साग हो, तो ये तो मेरा फेवरेट खाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी घर पे बनाती हूँ जब भी, जैसे दूसरे तीसरे दिन मैं दूध बिलोती हूँ तो मैं भी चटनी। और वो हमारे घर में सभी देसी खाना खाते हैं, पर हाँ हफ्ते में एक दो बार हम चाइनीज फूड भी खाते हैं और ऐसे खाते रहते हैं क्योंकि आप हेल्थ से देख सकते हो हेल्थ। तो थैंक यू उनसे और जरूर मैं आऊंगी। और दूसरा कमेंट मेरा है भट्ट रसूल जी का। तो थैंक यू भट्ट रसूल जी, जो आप मेरे से बोल रहे हो, मुझे समझा रहे हो, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ थैंक यू। मैं कभी कभी टूट जाती हूँ, जब मैं कुछ ऐसा कमेंट पढ़ लेती हूँ जो मेरे बच्चों के प्रति आ जाता है, तो मैं जब ही टूटती हूँ। वरना मेरे से कोई कुछ बोले तो मुझे तो हैबिट हो गई इन बातों में रहने की, तो मुझे पता है। और हस्बैंड ने मेरे से एक ही बात बोली है, पहले ही समझा दिया था आज से 2 साल पहले, कि जब फसल बोते हैं तो उसमें फसल ही नहीं होती, उसमें घास फूस भी होता है, उसे उखाड़ फेंको। तो ये वो ही लोग हैं मेरे लिए, तो मैं उनके लिए ये मेरा वो है। और थैंक यू, आपने इतना बड़ा कमेंट किया और इतना बड़ा कमेंट करते भी हो और अच्छी बातें कहते हो, और आपने लव यू बोला, लव यू टू आपको। और तीसरा जो कमेंट है वो है कि आप मेरा कमेंट पढ़ोगी तो जानू। तो बेबी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं कमेंट सबका पढ़ती हूँ और मैंने बताया 2 से 3 दिन की जो वीडियोज होते हैं मैं उसके कमेंट पर जाती हूँ। तो आपका कमेंट और आपका नाम, तो ये जो है प्रसन्नजीत घोष हैं, तो इन्होंने बोला है कि यहाँ बहुत अच्छा स्पॉट है, आप इधर आएं और वीडियो शूट करें। और तो अभी एक बात बताती हूँ मैं उनके लिए। तो प्रसन्नजीत आपने बोल तो दिया, बट ये तो नहीं बताया कि कौन सी जगह से हो, तो आप मैं कैसे इधर आ जाऊँ, इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, सीट पे ही हो जाओ क्या? तो आप जरूर अपना कुछ एड्रेस वगैरह डालते तो मेरी को समझ में आता। जैसे अभी मैंने इनका कमेंट पढ़ा था, तो गुजरात से जी थे जो सूर्य आ गया था सामने वीडियो खराब हो जाती अभी वो तो मैंने देख लिया, मैं आगे नहीं देख रही थी। तो इन्होंने तो आप बताएं कहाँ से हो आप, तो ऐसे जगह यदि कोई बात पूछते हो या कोई बात कहते हो तो कोष्ठक में जरूर डालें आप कहाँ से हो, और आपकी बात का मैं जरूर जवाब दूंगी जैसे भी मैं पहुँच पाऊंगी। और बिल्कुल मुझे कोई वो नहीं है इस बात का कि भाई मैं ना दूँ, मेरा भी फर्ज है, आप मेरे लिए बैठे हो, मेरे जवाब के लिए बैठे हो। और ये अशोक राठौर जी हैं, आज मैं कई कमेंट का जवाब दे रही हूँ। अशोक राठौर जी थैंक यू तहे दिल से, आप बहुत ही मजाक के कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो हंसी आती है, आप एक मुस्कुराहट लाते हो और थैंक यू। और इसी के साथ मैं अब आप सबसे बाय बोलना चाहती हूँ।
विदाई दे विदाई न्यूज में नहीं है। तो नेक्स्ट कल ब्लॉग में मैं कोशिश करूंगी 4 से 5 अपने फैंस का नाम लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियोस में, कल के ब्लॉग में। और अपने ब्लॉग की समाप्ति करते हुए बस मैं ये कहना चाहती हूँ, लाइक कमेंट शेयर करें और देखते रहे मेरे वीडियोस और मुझे झेलते रहे। और मेरा 99% ये कमेंट भी आया था भैया, मेरा 99 कमेंट नहीं था जिनकी आईडी ओनली ऐसे ही थी जो यूट्यूब की तरफ से बनी हुई थी, उन्होंने अपना कोई नाम नहीं डाल रखा। तो मेरा वजन है अब इस टाइम 78-79 के बीच में आया है। मेरा वजन पहले था, आज से 1 साल पहले 96 था, मुझे कोई बताने में शर्म नहीं है। और ये मैंने वजन अपने आप मतलब मेहनत करके कम किया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला घर के कामों में और अपनी हेल्थ की तरफ मैंने देखा ही नहीं, कब मेरी हेल्थ बढ़ती चली गई, कब मुझे वो। फिर मैंने वीडियोज बनाई तो मुझे थोड़ा बहुत ट्रोल किया गया, तो मैंने थोड़ा सा माइंड में लिया और अब मेरा इतना वेट आया है। और थैंक यू, बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर करें, बाय बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।